हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है सावन मंथ में हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसा पूरा करें। जब हम अंडे और नॉनवेज नहीं खा सकते तब, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेजिटेरियन में भी हमारे इतने सारे सोर्सेस हैं कि हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए आना चाहेंगे प्रोटीन बेस्ड फूड पर। पहले नंबर पर मैं प्रोटीन बेस्ड फूड की बात करूँगा तो उसमें से आता है स्प्राउट्स, सोयाबीन, मूंग दाल, चने। इनमें हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। अगर मैं इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में 100 ग्राम में 36 ग्राम से 38 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। मूंग दाल की बात करूं तो 100 ग्राम में 24 ग्राम से लेकर 26 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। और वहीं अगर चने की बात करूं तो इसमें 16 ग्राम से लेकर 18 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। जो सेकंड नंबर पर प्रोटीन बेस्ड फूड आता है वो उसमें आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में पनीर, दूध, दही, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर हम इनमें प्रोटीन वैल्यू की बात करें तो पनीर में 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं दूध, अगर आप गाय भैंस के अलग अलग प्रोटीन वैल्यू हैं, अगर हम गाय का दूध लेते हैं तो 100 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और वहीं भैंस के दूध में 100 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम दही की बात करते हैं तो 100 ग्राम में 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप एक मील में डेयरी प्रोडक्ट का यूज ज़रूर करें। तीसरे नंबर पर अगर मैं प्रोटीन बेस्ड फूड की बात करूं तो नट्स एंड सीड्स आते हैं। अगर बादाम की बात करूं नट्स में, तो 30 ग्राम बादाम में आपका 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं मूंगफली की बात करूं तो 30 ग्राम मूंगफली में आपका 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और पिस्ता की बात करूं तो समथिंग में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सीड्स की बात किया जाए तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनमें अच्छे विटामिन एंड गुड फैट है। तो आप अपनी एक मील में इनको ऐड ज़रूर करें। फोर्थ नंबर पर अगर हम हाई प्रोटीन की बात करें तो पल्सेस उसका एक अच्छा एग्जांपल होंगी, जिसमें से आपकी मूंग दाल, अरहर की दाल, उड़द दाल, चने की दाल में हाई क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर जो प्रोटीन बेस्ड फूड की बात करूंगा मैं, उसमें आता है सोया चंक्स, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सोयाबीन की बरी बोलते हैं। अगर 100 ग्राम सोया चंक्स की बात करूं तो 100 ग्राम सोया चंक्स में 52-56 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नंबर सिक्स पर आपके जो प्रोटीन बेस्ड फूड की बात करूं तो कुछ वेजिटेबल्स के नाम आपको बताना चाहूंगा, जिसमें से ब्रोकली, ग्रीन बीन्स, कॉर्न, हरी मटर और करोड़ा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में करोड़ा बोलते हैं, इनमें अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। लास्ट नंबर पर मैं आपको वे प्रोटीन का सजेशन दूंगा। जिसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी नहीं हो पा रही है, वो वे प्रोटीन 2-3 स्कूप दिन में ले सकता है। एक स्कूप वे प्रोटीन में 22 से आपको 28 ग्राम तक वे प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।